इन दोनों बॉलीवुड के गलियारों में कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं के बीच एक बुरी खबर भी आ रही है जिसे जानकर अजय देवगन के चाहने वाले थोड़े से निराश हो सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे, अभिनेता अजय देवगन जहां एक तरफ तानाजी और टोटल धमाल जैसी फिल्में कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी एक बड़ी फिल्म डिब्बा बंद हो गई है। इस फिल्म में अजय देवगन जबरदस्त एक्शन अवतार में दिखाई देने वाले थे। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, साल 2018 के बीच में ये खबर आई थी कि अजय देवगन अभिनेता सूरज पांचोली के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म करने जा रहे हैं। फिलहाल फिल्म का नाम तय नहीं हुआ था, लेकिन बताया जा रहा था इस फिल्म का निर्देशन करने वाले थे रेमो डिसूजा। इसके साथ ही खबरें ये भी आई थी कि अजय देवगन इस फिल्म की तैयारी के लिए हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं पर साल 2019 आते आते ये खबर ठंडे बस्ते में चली गई और जहां रेस 3 के फ्लॉप होने के बाद रेमो डिसूजा अब वरुण धवन के साथ डांस फिल्म में बिजी हो गए हैं, वहीं पर अजय देवगन तानाजी और टोटल धमाल करने में लगे हुए हैं और इस वजह से इस थ्रिलर फिल्म के लिए किसी के पास डेट नहीं बची। वहीं सूरज पंचोली अभी तक इस फिल्म के इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर अजय देवगन इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को करते तो जाहिर सी बात है ये दर्शकों के लिए एक बड़ी फिल्म साबित हो सकती थी, क्योंकि जितनी भी अजय देवगन ने एक्शन से भरपूर फिल्में की हैं वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं। लेकिन दोस्तों, साल 2019 में अजय देवगन की तानाजी और टोटल धमाल फिल्म दस्तक देने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अजय देवगन की ये दो बड़ी फिल्में काफी बिग बजट की हैं और ऐसे में इन फिल्मों के जरिए अजय देवगन अपने चाहने वालों का भरपूर मनोरंजन भी करने वाले हैं।